हमारा देश धार्मिक देश, हमारा देश वो देश जहाँ पर हर महीने एक त्योहार मनाया जाता है ताकि हम मिलजुल कर रह सकें। राम मंदिर चौक पर चेतन रूप में होलिका की झांकी सजाई गई थी और होलिका की झांकी इस बार आकर्षण का केंद्र रही। 91 वर्षों से हिंदू मुस्लिम एक साथ इस त्योहार को मनाते आ रहे हैं और इस बार भी उसी तरह से मनाया गया। होली की पूर्व संध्या पर होलिका दहन किया गया। इसके पीछे एक प्राचीन कथा है जिसमें असुर हिरण्यकश्यप भगवान की घोर शत्रुता रहती है और उन्हीं के घर में प्रहलाद होता है और प्रहलाद परम भक्त रहता है भगवान का। उसका वध करने के लिए अपनी बहन होलिका का सहारा लेते हैं, पर अच्छाई किस तरह से जीत जाती है, अगर बुरे विचार हों तो किस तरह से आपका हारना निश्चित है, होलिका ये संदेश देती है। होली का ये संदेश के साथ साथ तभी से होली मनाई जा रही है। तो इस खास त्योहार के मौके पर आपको बता दें कि इस समिति के अजय तिवारी ने बताया है कि कई साल से, 90 साल से ज्यादा वर्ष हो चुके हैं तभी से हिंदू मुस्लिम मिलकर इस त्योहार को मनाते हैं। हिंदू मुस्लिम एकता कमेटी लगातार इसी तरह से इस त्योहार को मनाती है। होलिका दहन कितने वर्षों से इस चौपाटी पर किया जा रहा है? 91 वर्षों से हिंदू मुस्लिम एकता कमेटी के तत्वान में हर साल 91 वर्ष से मनाया जा रहा है और हर साल अलग अलग झांकियाँ और करते हैं और सब हिंदू मुस्लिम मिलकर होली का पर्व धूमधाम से मनाते हैं। जहाँ एक और देश में नफरत की आग लगी हुई है, वहाँ एक अच्छी मिसाल खातेगांव में देखने को मिल रही है। राम मंदिर चौराहे पे ऐसी मिसाल हमेशा देखने को मिलती रहेगी और मिलती भी है। हिंदू मुस्लिम एकता के साथ ही लोग यहाँ हर त्यौहार मनाते हैं, या ईद हो या होली हो या दीपावली हो, सभी त्यौहार धूमधाम से मनाते हैं। वैसे भी चौपाटी चौराहा और राम मंदिर चौराहे को एक अलग ही पहचान मिली हुई है, नगर का हृदय है ये और यहाँ सब जितने भी त्यौहार मनाते हैं बहुत धूमधाम से सब मिलजुल कर मनाते हैं। ये प्रोग्राम हम लोगों ने यहाँ पर पहली बार किया है और जैसे गायन है ना कि होली के समय होली का उस समय भक्त प्रहलाद बच गए थे और होली का जल गई थी, तो उसी का यादगार आज हमने यहाँ पर बनाया है।